Assalamu alaikum, students. How are you? I hope you all are doing well and will be safe in your homes. This is unit number one introduction to sets. Yesterday, you learned about some types of sets finite set, infinite set, unit set, and empty set. And today, we learned about some more types of sets. First one is disjoint sets. डिस्ट्राइंट सेट्स कौन से होते हैं सपोज वी हैव टू सेट्स सेट ए एंड सेट बी अब हम इनके एलिमेंट्स को देखते हैं कि इसमें एलिमेंट्स क्या, क्या क्या लिखे हुए हैं सेट ए के एलिमेंट्स क्या हैं वन थ्री फाइव और सेट बी के एलिमेंट्स हैं टू फोर सिक्स अगर हम इन दोनों सेट्स को देखते हैं और इनके एलिमेंट्स को देखते हैं तो इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है कॉमन मीन यानी कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों सेट्स में हो यानी दोनों सेट्स के एलिमेंट्स बिल्कुल डिफरेंट हैं कोई भी एलिमेंट इनमें सेम नहीं है तो ऐसे दो सेट जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो वो डिस्टॉइंट सेट्स कहलाते हैं ये डेफिनेशन हाईलाइट करें अपनी बुक्स के ऊपर डिस्ट्वाइंट सेट्स टू और मोर सेट्स आर कॉल्ड डिस्ट्वाइंट सेट्स इफ़ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स यानी ऐसे दो सेट या दो से ज़्यादा सेट जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो वो डिस्ट्राइन सेट्स कहलाते हैं नेक्स्ट हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स ओवरलैपिंग सेट्स कौन से होते हैं अब जो टाइप ताइ, टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं सेट्स की वो है ओवरलैपिंग सेट्स अब इसके लिए हमने क्या ये दो सेट लिखे हुए हैं एक सेट सी है और दूसरा सेट डी है अब हम इसके एलिमेंट्स को देखते हैं सेट सी में जो एलिमेंट्स हैं वो है वन टू थ्री सेट डी लिखा हुआ है टू फोर सिक्स अब हम इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को देखते हैं तो अगर आप देखें तो इनमें दोनों सेट्स में टू जो है वो कॉमन है यानी एक एलिमेंट दोनों सेट्स में कॉमन है तो ऐसे दो या दो से ज्यादा सेट जिनमें एटलीस्ट एक, एक एलिमेंट कॉमन हो उन सेट्स को हम ओवरलैपिंग सेट्स कहते हैं टू और मोर सेट्स आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स इफ दे हैव एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट ऐसे दो या दो से ज्यादा सेट्स जिनमें एटलीस्ट एक एलिमेंट कॉमन हो वो सेट्स जो हैं वो ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं नेक्स्ट टाइप है इक्विवेलेंट सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स कौन से होते हैं अब इसके लिए हमारे पास ये दो सेट मैंने लिखे हुए हैं ई सेट है इसके एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3 दूसरा सेट है हमारे पास एफ सेट और इसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी ये दो सेट हैं हमारे पास अगर आप ये देखें कि इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है लेकिन अगर हम इनके एलिमेंट्स को काउंट करें तो दोनों आ, सेट्स में एलिमेंट्स जो हैं वो उनके तादाद सेम है इसमें भी थ्री एलिमेंट्स हैं और सेट एफ जो है इसमें भी एलिमेंट्स थ्री हैं अगर ऐसे दो सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हों वो सेट्स हमारे इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं

अगर एक में काउंटिंग नंबर्स हैं तो दूसरे में आप अल्फाबेट्स भी लिख सकते हैं लेकिन दोनों में तादाद बराबर होनी चाहिए सिर्फ नेक्स्ट टाइप है इक्वल सेट्स इक्वल सेट्स क्या होते हैं ये दो सेट लिखे हुए हैं एक सेट जी है जिसके एलिमेंट्स हैं टू फोर सिक्स दूसरा सेट है एच इसके एलिमेंट्स हैं फोर सिक्स टू अगर इन दोनों सेट्स को हम देखें तो उनमें जो एलिमेंट्स हैं टू फोर सिक्स फोर सिक्स टू यानी दोनों सेट्स में एलिमेंट्स सेम हैं सिर्फ उनका ऑर्डर चेंज किया गया है एलिमेंट्स चेंज नहीं हैं जितने एलिमेंट्स सेट जी में हैं उतने ही एलिमेंट्स सेट एच में भी हैं लेकिन इसके साथ साथ एलिमेंट्स भी सेम हैं टू इधर है तो टू इस सेट में भी है फोर अगर सेट जी में है तो फोर एच में भी है सिक्स सेट जी में है तो सिक्स सेट एच में भी है यानी दोनों में एलिमेंट्स सेम हैं तो ये ऐसे सेट्स जो हैं उनको हम इक्वल सेट्स कहते हैं टू और मोर सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स इफ दे कंटेन द सेम एलिमेंट्स यानी ऐसे दो या दो से ज़्यादा सेट जिनके एलिमेंट्स सेम हों उन्हें इक्वल सेट्स कहते हैं अब हम इन्हीं डेफिनेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज वन डी का क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं